हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ मीठी सेवई की रेसिपी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें 1 लीटर के लगभग पानी लिया है, उसको हल्का गर्म होने दिया है। उसके बाद इसमें ये 150 ग्राम मैंने सेवई ली है और पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस तरह से एक कलछी की सहायता से इस तरह से इसको चला देना है और इसमें थोड़ी देर बाद इस तरह से उबाल आने लगा है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं और 4 से 5 हरी इलायची लिए हैं, 1 लीटर दूध लिया है। अब ये मैं फिर से चला के देख रही हूँ, ये हमारी सेवई थोड़ी सी थिक हो गई है तो मैं एक सेवई निकाल के इस तरह से चेक कर ले रही हूँ हाथ से, इस तरह से उंगली से। ये हमारी सेवई उबल चुकी हैं। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। ये हमारी सेवई अच्छे से उबल चुकी हैं। अब मैंने 1 लीटर जो दूध लिया था वो इसमें मिक्स कर दिया है उस तरह से, और इसको लगातार चलाते ही रहना है। पहले तो हमने पानी में डाला था तो उसे कभी कभी बीच में चला रहे थे, लेकिन इसको अब लगातार चलाते रहना है, नहीं तो हमारा दूध निकल जाएगा बाहर। इसमें उबाल आने लगा है, इसको लगातार इसी तरह से थोड़ी देर के लिए चलाते ही रहना है। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह से लगातार चलाते रहना है और गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, गैस को हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। और आप देख रहे हैं इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और इसमें मलाई भी पड़ चुकी है। अभी हमारी सेवई लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट मिक्स कर रही हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे। यदि आप इस तरह से मीठी सेवई बनाएंगे तो मैं यकीन के साथ कह रही हूँ आप खीर खाना भूल जाएंगे। अब ये हमारी सेवई बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसमें चीनी शुगर डाल रही हूँ 100 ग्राम के लगभग। यदि आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। चीनी को इसमें मिक्स कर देना है अच्छे से, 1-2 मिनट के लिए और पका लेना है। अभी हमारी सेवई बनकर तैयार हो चुकी है। इसको गैस को बंद कर देना है। इसको नीचे उतार के इसमें मैंने जो इलायची ली थी उसका पाउडर बना लिया है और इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं ये सर्व करने के लिए निकाले ले रही हूँ। ये हमारी मीठी सेवई की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।